नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। जिंदगी मिली दोबारा और श्रमिकों का नया सवेरा। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब 41 मजदूरों को सिलक्यारा टनल से बाहर निकाला गया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहा। इस कामयाबी के पल के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब जब सभी मजदूर बाहर आ गए तो उनके परिवार के साथ साथ हर किसी ने राहत की सांस ली। पेश है खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सिलक्यारा, हिम्मत हौसले की कहानी। मशीनें हुई नाकाम, हाथों से खोद डाला पहाड़। पहाड़ का सीना चीर, सुरंग से निकले श्रमवीर। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये लाइनें उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों पर बिल्कुल ठीक बैठती है। इन 41 मजदूरों ने 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और जीने की आस बनाए रखी। इसी का नतीजा रहा कि सभी मजदूरों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। भारतीय सेना, NDRF और SDRF जैसी विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद ये मजदूर पहाड़ का सीना चीर कर सुरंग से बाहर निकल आए। सभी मजदूर स्वस्थ हालत में हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से बात की और उनके हौसले की तारीफ की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। लेकिन ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी कभी तो तूतू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इशारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे PMO के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है, लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आइए आपको बताते हैं ऑपरेशन सिलक्यारा की पूरी कहानी। 12 नवंबर को सुरंग में भूस्खलन के बाद 41 मजदूर फंसे। आनन फानन में शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अगले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पहुंचे। ऑक्सीजन सप्लाई पाइप के सहारे मजदूरों से की बात। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत हुई। सुरंग खोदकर 800 से 900 mm की स्टील पाइप को फिट किया। पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना, पानी, दवाइयां पहुंचाई। 16 नवंबर को दिल्ली से मंगाई एडवांस ड्रिलिंग मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इंदौर से नई ऑगर मशीन मंगाई गई। 17 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। सुरंग के भीतर दरारें देखने को मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया। पीएमओ के एक्सपर्ट्स ने तैयार किया 5 प्लान। सबसे ज्यादा जोर वर्टिकल ड्रिलिंग पर ही दिया गया। 21 नवंबर को फंसे मजदूरों की वीडियो सामने आई। बालकोट इलाके से भी सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। 12 मीटर की दूरी ही बची हुई थी तभी ऑगर मशीन खराब हो गई। सुरंग को हाथों से खोदने के लिए 12 रेड होल माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया। बचाव कर्मियों ने मलबे को पूरी तरह से भेदा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने श्रमिकों तक पहुंचने के लिए पाइप में प्रवेश किया। इस तरह मजदूरों तक पहुंचने का काम पूरा हुआ। श्रमिकों में से झारखंड के 15 श्रमिक शामिल, उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिक, ओडिशा के 5, बिहार के भी 5 श्रमिक शामिल। पश्चिम बंगाल के 3 श्रमिक, उत्तराखंड के 2, असम के 2, हिमाचल प्रदेश के 1 श्रमिक शामिल। एनडीआरएफ के जवानों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाले जाने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। बाहर निकल रहे श्रमिकों को मुख्यमंत्री ने गले लगाकर उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की। बचाव कार्य में जुटे लोगों के साहस की भी मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना की। टनल से निकालने के बाद सभी मजदूरों को टनल के पास बनाई गई अस्थायी अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरों में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। 17 दिनों में इन मजदूरों के लिए ये सबसे सुखद पल रहा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने भी लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे, और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ तो पाइप भी तेज़ी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमरीकी जो मशीन है ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई बुरी तरह से, पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया, और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर अगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और एक एक मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और विशेष कर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीजें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया।
उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही। सिलकियारा टनल की इस पूरी घटना के बाद जहां एक तरफ सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, तो वहीं सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब श्रमिकों के परिवार में भी खुशी का माहौल है और सभी सराहनीय कार्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद कर रही है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की मदद और 1 महीने का सवेतन अवकाश की घोषणा की है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। अट्ठाईस नवंबर की शाम जैसे ही सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया, देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर दिवाली मनाई गई। लोग खुशी से झूम उठे, आतिशबाजी हुई। ये दिवाली का माहौल उन 41 घरों में देखने को मिला जो सुरंग में फंसे अपने परिजनों के घर वापसी से एक बार फिर रोशन हो उठे। अट्ठाईस नवंबर की शाम जैसे ही सिलकियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया, देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर दिवाली मनी। लोग खुशी से झूम उठे, आतिशबाजी हुई। ये दिवाली का माहौल उन 41 घरों में देखने को मिला जो सुरंग में फंसे अपने परिजनों की घर वापसी से एक बार फिर रोशन हो उठे। 28 नवंबर को रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद परिवारों का क्या कहना है सुनिए। बहुत खुश है गए भैया। हमारे लड़का 3 दिन फंसे रहे, हम बहुत रोने गाए लगे। रोज हम लोग उनके भोजन पानी सब हराम रहा, नहीं खावा जावट रहा, बस वैसे मैंने लड़के हमारे काल निकल गए तो हम बहुत खुश हो गए। अच्छा, इतने दिनों बाद निकले हैं, फोन पे किसी से बात हुई, कैसा लगा? कैसी तबीयत, कैसी है उनकी? ठीक है। जैसे ही निकले सुरंग से वीडियो कॉल लगाए थे कि हम निकल चुके हैं, पटाखे जला के खुशियां मना रहे हैं, तो कैसा लगा? ये 17 दिन बाद उनसे बात हुई होगी। बहुत अच्छा लगा। कल पटाखे भी फोड़े सब लोग यहीं पे कि वो लोग निकल गए हैं, सब लोग बहुत खुश थे। कोई गया है उनसे? हाँ, हमारे बड़े पापा गए हैं वहाँ पे। अच्छा, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रहे थे वहाँ पे, टीम जो उनको निकाल रही थी लगातार उनके संपर्क में थी, और उनको क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सफलता है? सबको धन्यवाद कहेंगे कि वो लोग का बहुत योगदान रहा। हम दिवाली आज मनाए हैं, मुँह मीठा कराया है सबको, लोग भैया लोगों के यहाँ गरमा मिठाई बांटने प्रसाद, बहुत खुशी। हमारा एक लड़का रहा है, वो भी 17 दिन हो गए वहाँ तेलन फंसे, तो कैसे दिन गुजारे नहीं तो भगवान ही जानते कैसे दिन गुजारे। रात दिन अंधेला ही रहा है, दिन हुए तो अंधेला, रात है तो है ही है। आज हमारे उजाला है, आज हमको बहुत खुशी मिली। आज सरकार के यहाँ अपने सरकार है उत्तराखंड सरकार, बहुत धन्यवाद हम बोली थे जो गरीब के यहाँ बच्चे सुरक्षित निकाल लेंगे, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारगरों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। गौरतलब है कि उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में ये मजदूर पिछली 12 तारीख से फंसे हुए थे। वहीं प्रशासन उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहा था, जिसमें आखिरकार कल जीत हासिल हुई और सभी 41 मजदूर सुरक्षित वापस आ गए। निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को 28 नवंबर की शाम बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भले ही 17 दिन का समय लग गया, लेकिन सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। टनल से इन मजदूरों को कैसे निकाला गया, सफलता के बाद का वीडियो सामने आया, देखिए रिपोर्ट। निर्माणाधीन
निर्माणाधीन सलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को 28 नवंबर की शाम बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भले 17 दिन का समय लग गया, लेकिन सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। जैसे ही फंसे हुए 41 श्रमिक बाहर आए, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्रमिकों का स्वागत किया। इन झलकियों में दिख रहा है कि एक श्रमिक बचाव पाइप से बाहर आकर थम्सअप देता है, जो दिखाता है उनके जज्बे को, जो इन 17 दिनों में जरा भी नहीं डगमगाया। वहीं रेस्क्यू अभियान में मिली सफलता से उत्साहित हो बचाव दल ने भारत माता की जय के नारे गौरतलब है कि 12 नवंबर से ये 41 श्रमिक सलक्यारा सुरंग में फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही थी, जिसके बाद 28 नवंबर को सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं श्रमिकों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन अब उन्हें आगे इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश भेजे जाने की तैयारी है। इसके लिए चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर भारतीय सेना का परिवहन विमान चिनूक तैनात किया गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।